ये खा रहे हैं भैया, खा रहे हैं फालूदा, हम पता नहीं क्या खा रहे हैं, हम हवा खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह के साथ एक नई लोकेशन पे। सो गाइस, कल हम बहराइच पे रुके थे, जैसे कि बताया था मैंने कल रात में। तो इस हम अपने धर्मशाला के रूम में रुके थे। मैं अगर दिखाऊं तो ये रूम है, इसका ये एंट्री गेट है, ये देखिए ऐसा, यहाँ से एंट्री गेट है, ये रूम नंबर 26 में रहता था। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये छोटी सी अलमारी है, ये विंडो है, और ये एक शीशा लगा हुआ था इसमें, और एक छोटा सा नॉर्मल सा बेड था। तो अभी हम तैयार हो गए हैं, निकलने के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं, और अभी आज हमारा टारगेट है कि गोरखपुर पहुँचे। तो गोरखपुर की तरफ निकलते हैं अभी हम, और कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट पूरा हो। और गोरखपुर में देखिए, अभी तो इस समय मुझे कोई एक्चुअली होस्ट नहीं मिल रहा है, तो होस्ट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस समय। मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, बट अभी होस्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कौशल सिंह पे। तो मैं अभी होस्ट ये लोकल धर्मशाला या जो भी सस्ते मिल सकता है वही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैंपिंग करना थोड़ा सा अभी ईजी नहीं हो रहा है इंडिया पे अभी इस समय, तो इसलिए कैंपिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं कोशिश करता हूँ सस्ता धर्मशाला कोई मिल जाए, या फिर कोई लॉज टाइप में मिल जाए, कोई भी सस्ती चीज़ मिल जाए। अब गोरखपुर जाते हैं, देखिए कुछ मिलता है मंदिर, या फिर देखिए क्या मिलता है गोरखपुर में, या फिर कोई होस्ट। मैंने रिक्वेस्ट 5-6 की हैं सेंड, देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है उनमें से। तो चलिए हम तैयार हो गए हैं, मैंने बैग टांगे, निकलते हैं और नीचे चल के रिसेप्शन पे जो हैं वहाँ से हम उनसे हम सिक्योरिटी अमाउंट हमने 120 रुपये जमा किए थे वो लेते हैं वापस, और फिर निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। चलिए, तो अभी आज फिर हम चेकिंग करने वाले हैं। चलिए, रूम लॉक कर दिया, फिर नीचे चलते हैं और अपनी चेकिंग करेंगे फिर से, और पहुँचेंगे गोरखपुर जो हमारा टारगेट है। तो चलिए, मैंने रही साथ में, अभी सारा करते हैं सेटलमेंट, चलते हैं। ये कुछ रिसेप्शन है, धन्यवाद अंकल जी, ऐसा करूँ। ये सामने मूर्ति है, मंदिर है, दिख रहा होगा। अभी हम निकल रहे हैं, ये कुछ बाज़ार दिखाऊँ तो बाज़ार है, ये लोकल यहाँ की रोड्स है ये, और ये हमारा धर्मशाला था, ये हलवाई धर्मशाला। और अभी मैं निकलता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने की, मैं आपको दिखाऊँ तो ये सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी है, अभी पराठा आ रहा है हमारा, दो आलू पराठे मैंने ऑर्डर किए हैं 30 रुपये में। तो देखिए आटा पराठा टेस्ट करके बताते हैं कैसा है हमारा पराठा और सब्जी, दिख रही है आपको। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट ठीक है, टेस्ट काफ़ी ठीक है। चलिए खाते हैं पराठा, तो फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं दिखाऊँ आपको, ये दीपक भोजनालय है, ये जहाँ मैंने खाना खाया, ये दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो अभी हम गोंडा बस्ती रास्ते में जा रहे हैं, जाते हैं गोंडा की तरफ। और अगर बाज़ार दिखाऊं मैं आपको, फिर बाज़ार है, ये देखिए दिख रहा होगा मार्केट आपको, ये है बहराइच के बाज़ार, बहराइच का मार्केट है। तो काफ़ी भीड़ हो गई है, अभी 10:30 बज चुके हैं, ये पूरा मार्केट है। तो चलिए पहुँचते हैं मेन हाईवे में, और फिर वहाँ से निकलेंगे गोंडा बस्ती की तरफ। तो दोस्त गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं टिकोना चौराहे पे। भैया कहाँ जा रहे? तो ये टिकोना चौराहा है, दिख रहा होगा आपको पीछे। यहाँ पर भैया एक पुलिस वाले भैया मिले मेरे को, उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने पूछा चैनल के बारे में मेरे सारी चीज़ें। अभी मैं
वेट कर रहा हूँ लिफ्ट का, यहाँ पर खड़ा हूँ। देखिए कब तक लिफ्ट मिलती है, वेट कर रहे हैं अभी हमको यहाँ जाना है गोंडा की तरफ, इधर घूमना है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर चौराहे पे गन्ने का जूस पी रहे थे, तो हमको कुछ लोग मिले, ये तीनों दोस्त लोग मिलाए, मतलब ये तीनों स्टूडेंट्स हैं, ये बीएससी में है वो बीए में है, तीनों स्टूडेंट्स हैं। ये लोग वीडियो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, उन्होंने मेरे को देखा, आगे पूछा इन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें, अभी इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलते हैं। श्रावस्ती थे ये लोग, तो ऐसे ही बहुत बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, तो आप लोग भी बने रहें, ब्लॉग देखें, थैंक यू सो मच। सो अभी हमको कुछ साथी मिले दो तीन जो पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, और वो भी ब्लॉग देखते हैं, ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, तो ऐसे ही रास्तों में राहों में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनसे, और फिर वो चले जाते हैं और हम अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। तो यही ट्रैवलिंग का एक खूबसूरत है, खूबसूरत चीज़ है ट्रैवलिंग पे, खूबसूरती है ट्रैवलिंग की। तो अभी हम ये गोंडा वाली रोड में जाने के लिए डिसाइड किया है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि बलरामपुर और गोंडा वाली रोड में से कौन सी रोड चूज करनी चाहिए मुझे गोरखपुर के लिए। सभी लोग गोंडा बस्ती और फिर गोंडा फैजाबाद बस्ती गोरखपुर के लिए रिकमेंड कर रहे थे, इसलिए मैं इसी रूट में आ गया। सो चलिए वेट करते हैं, अभी लिफ्ट के लिए ट्राई करते हैं। फिर एक गन्ने का जूस पिया 20 रुपये का, और उसके पहले 20 रुपये का हमने ई रिक्शा में आए शहर के बाहर, और 30 रुपये का हमने पराठा खाया सुबह, आपने देखा ही, मतलब अभी लगभग 10:30 11 बज गए। देखिए एक बच्चे लोग खेल रहे हैं, पूछना है मुझसे कि क्या करते हो आप, तो मैं बताया मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो बोले हमारी वीडियो बनाओ, तब इनकी वीडियो बन रही है। क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, कहाँ पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, खेल रहे हैं ये यहाँ पर बच्चे लोग, ये सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। चलिए लिफ्ट की ट्राई करते हैं, अगर हो पाता है तो बने हैं साथ में, ये हमको इस तरफ जाना है, चलिए साथ में रहें, ट्राई करते हैं लिफ्ट। काफ़ी मशक्कत करने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे रुकने के बाद अभी एक कोई रेफरेंस मिला है, एक भैया रुके थे उनकी यहाँ पर मारुति वैन खड़ी हुई है, तो भैया जा रहे हैं ये 12 किलोमीटर दूर यहाँ से, चलिए चलते हैं साथ में। तो गाड़ी विजय जी हैं जो चला रहे हैं गाड़ी, उन्होंने भी दिया हमको, काफ़ी मशक्कत करने के बाद मिली है। तो हम चिलवरिया जा रहे हैं, चिलवरिया में रेलवे स्टेशन है, और ये अभी एक स्कूल है बहराइच का, देखिए यहाँ पर छुट्टी हुई है, काफ़ी स्टूडेंट खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये काफ़ी क्राउड है, काफ़ी बड़ा स्कूल लग रहा है, ये सारे स्टूडेंट निकले हैं यहाँ से अभी, और कुछ ही उन्हें जा रहा है बाहर का। तो हम चिलवरिया जा रहे हैं, तो गाइस अभी हम चिलवरिया पहुंच गए हैं, और अभी एक यहाँ बगल में एक दुकान थी नाई की, मतलब कटिंग की, उसमें एक बंदे ने बुलाया मुझे, उसे लगा मेरा पीछे मैट लगी हुई है, तो मैट देख लोग समझते कि मैं बेचने वाला हूँ, कोई सेल्समैन है, तो वो समझ रहे थे कि मैं कुछ बेचने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने रोका और पूछा कि कुछ बेच रहे हो क्या आप, तो मैंने बोला मैं बेच नहीं रहा हूँ, तो बोला बताया उनको मैंने कि मैं ट्रैवल वीडियो बनाता हूँ, तो लोगों को डाउट बहुत सारा हो जाता है देख के, बैग और पीछे मैट, तो लोगों को लगता है कुछ बेचने वाला है, क्योंकि सेल्समैन यूपी में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मतलब सेल्समैन बहुत ज़्यादा घूमते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है। तो चलिए डाउट होते रहते हैं, हमारा काम ट्रैवलिंग, हमारा काम है ट्रैवलिंग करना, हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैवल करते रहिए आप भी, और इन्जॉय करते रहिए लाइफ को, और बने रहे साथ में। ट्रेन के लिए पता किया मैंने, तो ट्रेन लगभग 3:30 बजे है यहाँ से, तब तक देखते हैं अगर कोई लिफ्ट मिलती तो पहले चले जाते हैं लिफ्ट के थ्रू, अदरवाइज़ फिर हम लोकल ट्रेन लेते हैं। ओके तो बने रहे साथ में आप, पेट्रोल पंप पे, तो अभी मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे दिख रहा हूँ, आपको ये शार का, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी कुछ लोग मिलते हैं, पूछते हैं उनसे अगर कोई लिफ्ट मिलती है तो गोंडा के लिए, तो बने रहे साथ में। तो गाइस अभी ये दो दोस्त मिले हमको पेट्रोल पंप में, उनका नाम अफान खान है, ये अर्जुन कुमार हैं, और ये शादी में डीजे वाली गाड़ी है, तो शादी में डीजे लेके जा रहे थे,
मैंने इनसे पूछा लिफ्ट के लिए, तो उन्होंने मेरे को बैठाया लिफ्ट के लिए। तो बहुत धन्यवाद दोस्त उसके लिए, आपने सपोर्ट किया मेरे को। और आगे पढ़ रहे हैं अभी हम, ये गोंडा के पहले जाएंगे, कहाँ जहाँ तक जाते हैं, देखिए कहाँ तक जाते हैं वहाँ तक जाएंगे। फिर हम रंग गोंडा के लिए और कोई देखेंगे, कोई और लिफ्ट मिलती है हमको तो आगे लिफ्ट देखेंगे कोई और। दोनों का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने लिफ्ट दिया हमको, अभी हम पढ़ रहे हैं आगे। मैं दिखाऊँ आपको वहाँ से ही निकाला दोस्त, ये अफान जी हो गए, ये अर्जुन जी हो गए। साथ में रहते हो? दोनों पास पास रहते हैं, पिछले कोई काम हो साथ में, दोस्तों में होते ही ऐसे, मित्र में ऐसा होता ही है कि जब भी एक बुलाता है तो चला जाता है अपने आप किसी काम के लिए। धन्यवाद दोस्त, ठीक है, बने रहिए आप और देखते रहिए वीडियो। हम यहाँ पर रुके हैं, दोस्त ने देख लिया, हम धन्यवाद एक बार दोबारा। अभी यहाँ पर इसके बाद पैंतीस मिनट बचा हुआ है, अगर मैं गाड़ी दिखाऊँ तो ये अर्जुन जी हैं ये, और ये इनकी गाड़ी है, ये गाड़ी थी तो उसमें लिफ्ट मिली हमको। और अभी आगे पहुँच गए हैं हम यहाँ प्रयागपुर, प्रयागपुर पहुँचे हैं अभी, यहाँ से गोंडा 35 मिनट बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये मार्केट है प्रयागपुर की, ये चौराहा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ इस प्रकार चौराहा है प्रयागपुर का। देखते हैं अभी कुछ देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या आगे कोई पेट्रोल पंप है तो देखते हैं अभी हम। और ये है कुछ नज़ारा यहाँ का देख लिया आपने, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे और निकल सकते हैं अपनी आगे लिफ्ट की ओर, ट्राई करते हैं फिर मिलती है तो।